इसमें हम भदोही जनपद के सूर्यावा क्षेत्र के महर्ष आजाद स्टेडियम मेढ़ी में उपस्थित हैं और जहां पर 21 जनवरी जो कि भव्य उद्घाटन होने जा रहा है इजलास स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का। और हम बात करेंगे यहां के तमाम पदाधिकारी उसी क्रम में तेज है ब्रह्म बाबा खेल समिति के सौजन से महर्ष आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट का प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन 21 जनवरी यानी कल होने जा रहा है। हम बात करेंगे अध्यक्ष जी क्या तैयारी है, कल कौन कौन टीमें आएगी और किसके द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। धन्यवाद भाई, कल देख रहे हैं आप यहाँ पर मंच भव्य मंच का निर्माण हो रहा है टेंट द्वारा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे बच्चे हैं अभी सुबह आके यहाँ पर जो मैदान में साफ सफाई का कार्य किए हुए हैं। और कल हमारा देखा कि आपको पता होगा किंग इलेवन सूर्यामा उसका मुकाबला गाजीपुर की टीम से होगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय विधायक ज्ञानपुर द्वारा यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में खेल समिति के सचिव जी भी उपस्थित हैं। सर लगभग इस वर्ष कहाँ कहाँ की टीम भाग लेने के लिए महर्ष आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में आने वाली है? कई जनपदों की टीम है सर, और चार ग्रुपों में बांट दिया गया है। इस बार जो है चार ग्रुपों में बांट करके हर एक ग्रुप से चार टीमें आएगी जो सेमीफाइनल खेलेगी। जैसे जौनपुर की टीम है, विजेता टीम श्रीराम पीजी कॉलेज, लक्ष्मी हॉस्पिटल है, मथुरा की टीम है, कानपुर है, कन्नौज है और गाजीपुर की टीम है। इसके अलावा अन्य जनपद के अलावा जो है एक मुंबई की टीम आ रही है महाराष्ट्र से चल करके, जिसका मैच 30 तारीख को होगा। और कुछ लोकल टीमों को रखा गया है जो अपने यहाँ के खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ियों से खेल करके वो अपना अनुभव लेंगे, खिलाड़ियों से सीखेंगे, इसलिए उनको भी मौका दिया गया है कि वे भी जो है क्वालिफाई करके अंतिम टूर्नामेंट में प्रवेश कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कमेंट्री जो कि बहुत बड़ा समय देते हैं, जो कि एक अपना नाम यहाँ पर महर्ष आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। आदरणी जेपी सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है? बिल्कुल दादा भाई, सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। हम लोग बस कल का इंतजार कर रहे हैं, बाकी मैदान वगैरह सब कुछ विकेट वगैरह सब कुछ बन चुका है और सिर्फ इंतजार हो रहा है सिर्फ कल का, कल उद्घाटन समारोह हो उसके बाद हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए, यही कामना करते हैं हम लोग। हमारे बीच में श्याम यादव जी हैं जो कि लगातार पूरा सहयोग रहता है, क्या कहना चाहेंगे? कल भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, तमाम टीमें यहां पर भाग लेगी, क्या कहना चाहेंगे? दादा भाई आपको बता दें कि कल जो उद्घाटन होने जा रहा है, साल भर का इंतजार होता है तमाम दर्शकों को, तमाम खिलाड़ियों को, तमाम टीम के लोगों को, और कल वो समय जो है अब आ गया है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी तमाम टीमें, तमाम वर्ष में करती आई है, और भव्य उद्घाटन होगा जिलाधिकारी द्वारा। बहुत खुशी होती है कि अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में एक ऐसा प्रतियोगिता होता है जिसमें पूरे जनपद के अलावा अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शक करके देखते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर फाइनल भी खेला जाता है, लगभग 4 फरवरी को फाइनल भी होगा और रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। तो मैं कल की बात करता हूँ, कल बहुत बढ़िया उद्घाटन मैच होगा और दो टीमें बड़ी टीमें हैं उनका पहला मैच खेला जाएगा, और उद्घाटन मैच का जो उद्घाटन होगा वो DM गौरांग राठी साहब करेंगे हमारे जनपद के। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनीष सिंह जी है जो कि हमेशा पूरे जो है कि मैच के दौरान पूरा जो है कि तन मन धन लगा देते हैं। मनीष सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, कल आपके इस गांव का अगर बात करें, मेरी आपका गांव है, लगातार कई वर्षों से आप जैसे युवा लोग मिल करके इतना बड़ा आयोजन सफल कराते हैं, क्या कहेंगे कल उद्घाटन होने जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जी, जैसे कि हम बता दें जैसे लगातार हम लोग सहयोग करते आए हैं और वैसे करते रहेंगे, और हम लोग अगले जैसे हर साल क्रिकेट करा जाता है यहाँ पे। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष सिंह जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर बात करें कि भदोही जनपद नहीं, अगर पूरे पूर्वांचल की बात करें, अगर यहाँ पर राज्य स्तरीय क्रिकेट की बात आती है तो महर्ष आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट मेले की बात आती है, जो कि हमेशा जो कि पूरा सहयोग रहता है, जो कि यहाँ के जो भी युवा साथी हैं। इसी क्रम में हमारे राहुल सिंह जी भी है जो कि बहुत बड़ा योगदान देते रहते हैं। राहुल सिंह क्या कहेंगे, कल काफी दर्शक यहाँ आएंगे देखने के लिए, उद्घाटन मैच देखने के लिए, क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? बस हम यही कहेंगे कि मतलब मैच अच्छे से देखें और अच्छे से मतलब खेल का अपने मजा लें, और मैच तो अच्छा ही होता है, कल अच्छा मैच होगा
और उद्घाटन मैच है जो सूर्यावा और गाजीपुर के बीच हो रहा है। किंग्स इलेवन सूर्यावा दो बार और जो दो बार की विजेता भी टीम है उसके सामने है गाजीपुर। अच्छा मैच होगा और अच्छा मैच खेला भी जाता है यहाँ पे, और हर बार टीम अच्छी आती है लेकिन जो मैच जीता हो तो जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राहुल सिंह जी। आपको बता दें कि यहाँ पर आजाद स्पोर्ट क्लब भी चलता है। यहाँ पर लगभग भदोही जनपद के तमाम ऐसे ग्रामीण अंचल के यहाँ खिलाड़ी उपस्थित रहते हैं, अपना समय देते हैं और यहाँ पर क्रिकेट भी सीखते हैं। उसी क्रम में तमाम ऐसे हमारे इस क्षेत्र के तमाम ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ मैच सीखते हैं। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अनुराग पाल जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? विष्णुपुर। कितने दिन से हम मैच सीख रहे हैं आप? 5 महीना। तो लगभग कल मैच का उद्घाटन है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यहाँ के आजाद स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी और आपको बता दें कि ऐसे तमाम खिलाड़ी उपस्थित हैं। और इसी क्रम में क्या नाम है आपका? इरशाद अंसारी। कितने दिन से मैच सीख रहे हैं आप? डेढ़ साल। कल मैच इस ग्राउंड में उद्घाटन होगा, भदोही जनपद के आदरणीय भाई जिला अधिकारी गौरांग राठी जी का आगमन होने जा रहा है, यहाँ के भाई ज्ञानपुर के विधायक जी का आगमन होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग खिलाड़ी है? हम यही चाहते हैं अच्छा से मैच हो, अच्छी टीम आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आजाद स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी। आपको देखा दे किस तरीके से ये जो है कि महास आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का कल 21 जनवरी यानी रविवार के दिन जो है कि कल मैच होगा यहाँ पर किंग्स इलेवन सूर्यावा और गाजीपुर के बीच, और किंग्स इलेवन सूर्यावा के बीच कल जो कि शुभारंभ उद्घाटन के दिन मैच होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, यह जो कि मेढ़ी का ग्राउंड है और काफी जो है कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और पिच भी तैयार किया गया है, इसलिए आप 21 जनवरी यानी रविवार को उद्घाटन का मैच देखने जरूर आइए। कल रंगारंग कार्यक्रम के साथ महास आजाद राज्य